ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीयू प्रशासन के खिलाफ एबीपी ने मोर्चा खोल दिया है। सीयू में मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए गुस्साए एबीपी कार्यकर्ताओं ने सीयू परिसर धर्मशाला में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीपी कार्यकर्ताओं ने सीयू प्रशासन को चेताया कि यदि शीघ्र समस्याएं हल नहीं हुई तो एबीपी उग्र आंदोलन शुरू करेगी। सीयू प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। सीयू में मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए गुस्साए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीयू परिसर धर्मशाला में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीयू प्रशासन को चेताया है कि यदि शीघ्र समस्याएं हल नहीं हुई तो एबीवीपी उग्र आंदोलन शुरू करेगी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 11 साल से सीयू का स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है। आलम यह है कि सीयू 3 जगहों पर चलाई जा रही है। सीयू में लाइब्रेरी, कैंटीन और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। सीयू हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के एबीवीपी इकाई अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा कि सीयू में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। 2009 में सीयू की स्थापना हुई है, लेकिन आज तक स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। 3 भागों में सीयू चल रही है और तीनों जगह बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। सीयू में कैंटीन की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को खाने के लिए 1 से 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। सीयू प्रशासन ने मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन उग्र किया जाएगा और भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो एबीवीपी पीछे नहीं हटेगी। आज जो हमारा विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन किया गया, ये हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर किया गया। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हमारी है, जो हमारा 2009 से ये विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, जो इसकी स्थापना हुई उसके बाद ये हमारा जो स्थायी कैंपस है वो आज तक हमें नहीं मिला है। इस सबसे बड़ी समस्या है, ये 3 भागों में बंटा हुआ है, परंतु 3 भागों में बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी की समस्या नहीं, कैंटीन की, बच्चों को खाने के लिए यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ते हैं। और लाइब्रेरी में बैठने के लिए समस्या है, यहाँ पे ना बैठने की जगह उपलब्ध है, ना यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, ना पुस्तकें उपलब्ध हैं यहाँ पे हर प्रकार की। और यहाँ पे जो क्लासरूम है, हमारे क्लासरूमों में भी बैठने के लिए बच्चों को पूरा बंदोबस्त नहीं है। जैसे डेस्क इत्यादि पूरे ने कुर्सियाँ जो है वो भी टूटी हुई कुर्सियाँ दी हुई है यहाँ पे। तो इसके ऊपर हमारा ये जो आज प्रदर्शन था ये था हमारा अगला कदम। अगर हमारे ये मांगों को हमारे बीसी जो हैं वो नहीं मानते हैं तो हम ये जो विद्यार्थी परिषद है ये आगे उग्र आंदोलन करेगी। इससे हमारी आगे हम भूख हड़ताल इत्यादि वो उग्र आंदोलन में करेंगे फिर।